Hi guys, मैं हूँ श्वेता and my name is इंदर और आप देख रहे श्वेलॉग. सो आज बोलिए जनाब बोलिए. सो गाइस नेक्स्ट मूवी दैट वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन इट्स अ न्यू मूवी ट्रेलर. ओके द मूवी नेम इज जॉन रेडी एंड इसका डायरेक्शन दिया है जीवन रेडी एंड इसके कास्ट है तिरुविरम एंड संजय रेडी. वैसे मैंने अर्जुन रेडी की मूवी देखी थी जो हाल ही की निकली थी कबीर सिंह एंड नाउ दिस इज जॉर्ज रेडी. रेडी वाली मूवी बहुत बहुत अच्छी लगती है एंड आई थिंक ये भी शायद रियल मूवी. या इट्स एक्चुअली बेसिकली बेस्ड ऑन अ बायोपिक ऑन अ लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट लीडर हु वाज आल्सो अ बॉक्सर एंड अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड हु इन्फ्लुएंस्ड द पॉलिटिक्स ऑफ तेलंगाना रीजन Osmania University between 1967 and 1972. That's so nice. It's a real life story. Which is also related to the politics and everything. Mm-hmm. I would love to see it. Okay, let's see how is it and love to react on it. चलो देखते हैं हमारे साथ रेडी की मूवी जॉर्ज रेडी की मूवी. चलो देखते हैं. Privatization is taking over. Poor staying poor and rich becoming richer. Being against this, we have raised our voice to protest, but our protest has remained unheard. Madam, dinner plate la upesh kado teri na kordo. Dinner da mere dinner kade plate la uchcha ho chado da. Hey, into sara. భగత్ సింగ్ ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు? ఎనీబడీ కెన్ సాల్వ్ దిస్. నిజం చెప్పు, ఎంఎస్సీ రెండోసారి కదా? వన్ ఇయర్ రెసిగేట్ లెటర్ టైప్ చేయండి. నేను అనుకున్న క్యాంపస్ అది కాదమ్మ. జార్జ్ రెడ్డి దాదా అయింది అన్న కాలేజ్లో. అవుటర్స్ లోపలికి రావాలంటే నేను భయపడుతున్నారు. అంతే కదా కౌశిక్, అప్పర్ కాస్ట్ అంటే అసలు ఆలోచించకుండా కొడుతున్నాడు. అసలు ఈడెవరు భయ్యా? నిన్నగాక మొన్న వచ్చాడు. స్కాలర్షిప్లు రాకుండా చేసిన ఏం చేసినా సరే గల్లా పట్టుకుని మరీ ప్రశ్నించండి. వాడు ఒంటి నిండా 22 కట్టిపోటు, అన్నిటికీ కారణం మీరే. పండించి రైతుకి తింటానికి కూలలేదు, ఒళ్ళు కప్పుకోవడానికి గుడ్డ లేదు. जितना ट्रेलर देखा है आई कैन सी द वे द पर्सन हैज रिएक्टेड इज अमेजिंग. द एक्टिंग इज गुड एंड इट गिव्स यू द फील ऑफ द ओल्ड डेज इन द मूवी. जब पुराने जमाने में सब हुआ करता था, कैसे हुआ करता था. द वे ही मूव्स द ब्लेड फ्रॉम हिज माउथ ऐसा लग रहा है.
लास्ट में वो द वे ही रोल्स दैट थिंग जिस पे आग आग लगी है. एक्चुअली जहाँ तक मैंने देखा, मैंने एक चीज नोटिस की, इट्स जस्ट रिलेटेड टू हॉस्टल लाइफ. मुझे लग रहा है बंदा हॉस्टल में है और मतलब बहुत सारे सीन्स आ रहे हैं स्टूडेंट लाइफ एंड या जैसे कि मैंने वो भी नोटिस किया कि ही वो पढ़ाई भी कर रहा है साथ में ही इज अर्निंग आल्सो. पॉलिटिक्स प्लस वो बॉक्सिंग कारपेंटर का काम भी कर रहा है बंदा. आई हैव नो आइडिया बट मैंने सीन्स में देखी अज्यूम किया है वो सब चीज़ें तो माइंड भी पढ़ाई भी एंड ये भी एंड ही इज आर टीचिंग आल्सो टीच भी कर रहा है. सो वन मैन विथ एवरीथिंग लाइक सब खूबियाँ है एंड ये भी मेरे लिस्ट में आ रहा है धीरे धीरे हल्लो हल्लो. I will surely watch it. Yeah, we have to watch it. लिस्ट कब हो रही है ये? नोटिस किया कि नहीं कि हमें नहीं यार नोटिस तो मैंने नहीं किया बिकॉज ट्रेलर के पीछे देयर इज नो रिलीज डेट. नो रिलीज डेट राइट. सो आई वुड वांट एवरीवन टू प्लीज टू वॉच दिस मूवी. वी विल आल्सो ट्राई टू वॉच इफ वी गेट द रिलीज डेट एंड ऑफ कोर्स द मूवी विद द subtitles. Right. Of course, there is a language barrier, so हमें language नहीं समझेगी. It's actually released on 22nd November. आ गया क्या? Yes, 22nd. All right, it's on 22nd November. It's over here, this month. Oh my god. दो दिन पहले ही हो गई है. देखना पड़ेगा. बस subtitles का मिल जाए तो I'm sure I'll watch it. या फिर dubbed in Hindi में. Dubbed in Hindi, yeah. So as usual, last share, like, subscribe. Suggestions. So and please keep on suggesting new videos and ding ding ding. Bye. Bye.